जय हिंद साथियों, मैं प्रत्युष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस YouTube चैनल कुंवर से स्टडी पर। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप ऑनलाइन ही घर बैठे अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं बाहर जाते हैं अपने राज्य से, मुंबई दिल्ली या कहीं भी अन्य राज्यों पर जाते हैं, या आपको पासपोर्ट वीजा कुछ बनवाना होता है, तो आपसे सबसे पहले जो है आपका कलेक्टर सर्टिफिकेट के तौर पर आपका आपके इलाके का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप घर बैठे अपने से ऑनलाइन अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वीडियो जो आपके सभी बहुत काम के हैं तो उसे न देखा हो तो अब तक देख लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, सिंपली आपको क्रोम ओपन कर लेना है, टाइप करना है यूपी पुलिस। मैं अपने राज्य का बता रहा हूँ, यूपी पुलिस, आपको यूपी पुलिस जो है टाइप करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपका अगर कोई दूसरा राज्य है तो आप अपने राज्य का जो है नाम इसमें सर्च कर सकते हैं, आपकी अपने राज्य की ऑफिशियल साइट खुलेगी, जैसे हमारे यहाँ यूपी की upipolice.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस है। सभी के अंदर के जो है सीन एक समान रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके राज्य का बस नाम का अंतर पड़ेगा। तो इसमें जो है जस्ट हमें पहले ही साइट पर क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे हमें कई सारी जो है ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें हमें सिटीजन सर्विस, यहाँ पे तीसरे नंबर पर सिटीजन सर्विस का एक ऑप्शन दिखता है, इसी पे सिंपली हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आता है। इसमें हमें कई सारे EFI कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कई सारे जो है ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो इसमें हमें एक ऑप्शन यहाँ पर ऊपर से चौथे नंबर पे मिलता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन का, इसी पर हमें जस्ट क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे हमें कई सारे देखिए जो है ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक उपयोगकर्ता और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। आपका अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन है नया उपयोगकर्ता बनाए, इस पर जस्ट जाएंगे तो यहाँ पे अपना नाम और जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपने से निर्मित पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो है यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। चूंकि हमारा यहाँ पे बना हुआ है तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और आपको जो है लॉग इन करके दिखाता हूँ अपना। यहाँ हमें अपना पासवर्ड फिलअप कर लेना है और नीचे दिया है कैप्चा, यहाँ पर हमें जो है फिलअप करना है। फिर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपका ये यहाँ पे यूजर नेम और किस डेट को आपने लॉगिन किया है, किस मिनट का और किस सेकंड पर आपने लॉगिन किया है, 6:12 पर आपने लॉगिन किया है, ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। चूंकि हमें अपना इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो आपको यहाँ पे जनहित गारंटी अधिनियम ये जो दिख रहा है पहले साइट पर ही क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, इसमें शिकायत, किरायेदार, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हमें चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चरित्र प्रमाण पत्र पर जाएंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन खुलकर मिलेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध का संशोधन। यदि आपको नया चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है या आपको एक साल की वैलिडिटी इसकी होती है वो खत्म हो गया है, आपको फिर से रिन्यूअल करवाना है, तो आपको पहले ऑप्शन चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े पर जाना है। यदि आपके सर्टिफिकेट में कोई जो है त्रुटि हो गई है, संशोधन करना चाहते हैं, फिर आपको दूसरे चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध का संशोधन पर जाना पड़ेगा। चूंकि हमें यहाँ पे नया बनाना है तो चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े पर हमें जस्ट क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, एक सामान्य का, एक ठेकेदार का। यदि आप कोई ठेकेदार हैं और ठेकेदारी टेंडर लेने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ठेकेदार पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप सामान्य से नागरिक हैं, आप किसी अन्य राज्य में या पासपोर्ट बनवाने के लिए या किसी अन्य राज्य में नौकरी वोकरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना है तो आप सामान्य पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप करते हैं उसके बाद फिर आपको प्रथम नाम, अंतिम नाम,
यहाँ पे चयन करना होता है, आपको अपना जो है लिंग जो है यहाँ पे चूज करना होगा, फिर सेवा के लिए प्रयोजन, आप इसे क्यों बनवाना चाहते हैं, तो उसमें आप जस्ट अपना जो जिस भी कार्य के लिए बनवाना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे चयन करना है रिश्तेदार का प्रकार, संबंध का प्रकार, संबंध का प्रकार आप चूज करके पिता माता अभिभावक पति पत्नी किसी एक को चूज कर सकते हैं। फिर रिश्तेदार का नाम जिसे आपने यहाँ पे चूज किया है उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राप्त की विधि, आप इसे सर्टिफिकेट को कैसे चाहते हैं चयन करें, डाक द्वारा, व्यक्ति द्वारा, या वायरलेस यानी ऑनलाइन ही, तो आप इसमें जो आप सुटेबल हो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको अनुरोध करता है कि एक फोटो मांगता है, तो आपको इसमें खोजे पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है ब्राउज करके एक फोटो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और संचिका विवरण में आपको यहाँ पे लिख देना है फोटो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करें कर लेना है, फिर आपको अब जैसे ही अपलोड हो जाएगा बंद कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो है फाइल का आकार दिया है 200 KB होना चाहिए, JPG, डॉक, PDF इन सब में लेगा ये, JPEG में ये नहीं लेता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। फिर इसे बंद करें पर क्लिक कर लीजिएगा अपलोड करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप जन्मतिथि अपना चुनेंगे, तो आयु महीना डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको इसके अगले पेज पर जाना है, पता वाले सेक्शन पर। यहाँ पे आपको अपना जो है ग्राम या शहर या नगर का नाम चूज कर लेना है, फिर राज्य चूज है यहाँ पर, पुलिस स्टेशन आपको चूज करना है, पहले आपको यहाँ पे जिला चूज करना होगा अपना जो भी हो देख लीजिएगा, फिर उस जिले में आप कितने सालों से रह रहे हैं, रहने की अवधि वर्ष और महीने में पूछी जाती है। फिर स्थाई के लिए अगर आपका स्थाई पता यही रखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ स्थाई पता पर भी यही ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, और अगर आपका कुछ अलग है तो आप अलग फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस शपथ पत्र वाले पर जाना है, क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या आप या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड है, यदि हाँ तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और उसका विवरण यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करने रहने दें, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फॉर्म में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियाँ सही है, इस पर आपको जस्ट क्लिक करके जमा करें, यहाँ नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है जमा करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक पेमेंट का जो है खुलेगा एक सीन, उसमें आपको जो है 50 रुपए जो है ऑनलाइन पेमेंट करने होते हैं, फिर पेमेंट करने के कुछ दिन बाद आपका जो है ऑटोमेटिक बन जाता है। हो सकता है कि आपके नजदीकी चौकी या थाने से एक दो होमगार्ड टाइप के आ सकते हैं आपकी कुछ जानकारी लेने के लिए, वरना अधिकतर तो जो है ऑनलाइन ही बन जाता है। फिर अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद हम इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्य पृष्ठ पे फिर लॉगिन करके आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे जब यहाँ पे जो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा यहीं पर जो है शो करने लगेगा कि रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, क्या हुआ, पूरा स्टेटस यहीं पर आपको शो करेगा, और यहीं पे आप क्लिक करके जो है ऑप्शन मिलता है वहीं से आप जो है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन घर बैठे सिंपली 5 मिनट में बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ मदद हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद साथियों।